पे आकर जो मैंने टिकटॉक बनाया वो मेरे सबसे ज्यादा हिट जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ, पैसे निकल रहे हैं। हाँ, पैसे। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज का एरिया है और यहाँ पर भी काफी मतलब होटल्स है। अच्छा, रेड रेड हो, क्या बात है यार। सस्पेंशन ब्रिज जा रहे हैं। ये पार्टनर आप देख रहे हैं कि ये सस्पेंशन ब्रिज की तरफ वहाँ से वापस आ रहे हैं। सस्पेंशन ब्रिज पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं कि इस पर सफ़र का आगाज़ लोगों ने कर दिया है। अगर आप देखें तो काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और वो सयाह जो मुकामी हैं, गैर मुकामी है, यानी मुल्की और गैर मुल्की सयाह जो है वो इस ब्रिज पर सफ़र करते हैं। तो देखते हैं कि ये भी आपको दिखाए और बताए। ये पूरा ब्रिज अगर आप देखें, ये छोटा सा शॉप है और वो भी खातून चला रही है। ये अगर आप देखें तो इस पर हम अभी सफ़र करेंगे, देखेंगे। ये ब्रिज काफ़ी सयाह यहाँ पर मौजूद है और वो तैयारी में है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आपका नाम? नादरशाह मेरा नाम है। अच्छा, तो आप यहाँ पर ड्यूटी देते हैं? जी जी। अच्छा, तो जाने के लिए क्या करना चाहिए, सयाहों को क्या पैगाम देंगे? सर, जाने के लिए हमने यहाँ पे जो ना सर जो अभी पानी कम हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला सिस्टम है, लाइफ जैकेट, ये चीज़ें हमने रखा है। अभी ये पानी कम होने की वजह से जो ना हमने जो ना उसको बंद किया है। अच्छा, तो बाकी एट ए टाइम पे 8-10 बंदे के जो ना अलाव है पूल पे। अच्छा, तो क्या किराया है, टिकट लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है? सर, ये टिकट, ये जो तमाम मेंटेनेंस और जमा तमाम ये जो काम हो रहा है सर, इधर ये रास्ता का और यहाँ पे 5 बंदे मुलाजिम है। ठीक है। और इसमें ये कि जो बंदे 100 रुपये दे के डोनेशन, ये हेल्थ एजुकेशन, इस चीज़ पर खर्चा हो रहा है। अच्छा, ठीक ठीक। तो देखते हैं कि हम इसको क्रॉस करते हैं या नहीं, लेकिन ये काफ़ी मतलब इसमें अगर आप जाते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हर किसी की बस की बात नहीं है। एक लकड़ी तकरीबन 1.5 फीट के फासिले पर है, तो यहाँ पर अगर आपने आना है तो थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि नीचे दरिया, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का दरिया है। तो ज़रूरी है, अभी कम है। में ये बहुत ज़्यादा। हाँ, ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये जैकेट पहन के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने 10,000 फीट की बुलंदी से प्री पॉल जंप किया हुआ है। मैं एडवेंचर के शौकीन हूँ और एडवेंचर पर यकीन रखता हूँ, लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है। आपको मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप इस ब्रिज को लाजिम क्रॉस करें, ज़रूरी नहीं है। आप इस ब्रिज को क्रॉस करते वक्त ध्यान और एहतियात ज़रूरी है। ये हमारे कुछ सयाह आ रहे हैं, इनसे भी थोड़े से एक्सपीरियंस जानेंगे।
कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कहाँ से आए और कैसा लगा आपको? हम लोग कनाडा से आए, जबरदस्त लग रहा है। कनाडा से आए? अच्छा, तो कनाडा में इस तरह है कि नहीं है? ये अलाउ नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है खवातीन के लिए, आप कहेंगे कि वो इस पर सफर करे या ना करे? हाँ करे, बिल्कुल। शुरू शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब थोड़ा सा आ जाता है और बैलेंस आ जाता है ना, सही, फिर आप और पार्टनर हो तो और इजी हो जाता है, हाथ पकड़ के तो जूम जूम जा सकता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। आप देखें तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। बाकी अगर आप गिर भी जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इतना नहीं होगा कि आप ख़तरनाक नहीं है इतना ना, मतलब मेरा मकसद ये कि आप इसको इंजॉय करें, इंजॉय के तौर पर आप ले लें इसको, मतलब ख़तरे के तौर पर नहीं ले। ये शहजाद नवीद भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए कितने आराम आराम से आ रहे हैं, डर डर के आ रहे हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कि चैना ब्रिज पे अगर आप शीशे वाले ब्रिज पे जा रहे हो तो वो शीशा है और यहाँ पर शीशा भी नहीं है। क्या कहेंगे शहजाद? ये जो ब्रिज है काफ़ी लंबा है और मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इतना लंबा ब्रिज देखा है, और काफ़ी खूबसूरत मनाजिर है इर्द गिर्द। जो भी लोग हंजा और इन साइड पे जो आना चाहती है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस ब्रिज का ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी जो सनसनी है इसमें चलने में, तो वो हमें आ रही है और बहुत हमें एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर देते हैं, चलते हैं। मिलता जुलता है, सस्पेंशन है, इसीलिए इसका नाम सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज रखा हुआ, थोड़ा सा हिला ना, सस्पेंस में रखता है सस्पेंस। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दरिया अगर नीचे आप देखें और मेरे पाँव अगर आप देखें, मैं मतलब कदम जब ले रहा हूँ तो आगे मेरे कदम बढ़ रहे हैं और ख़तरात भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ख़तरा भी नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास हौसला होना चाहिए, हर किसी को मैं नहीं कहूँगा कि वो इस पर जाए, मैं कहूँगा कि जो दिल गुर्दा रखता है, दिल गुर्दा भी ना हो लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा मतलब एडवेंचर के शौकीन हो, तो इनको चाहिए कि वो जाए और वो करे इस पर सफ़र, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभार इस किस्म के मौक़े मिलते हैं। तो ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान गुलमित में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो आपको चाहिए कि आप अगर इस पर सफ़र करते हैं। ये जगह बहुत बहुत ज़्यादा कुला है, मतलब इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कुले डुले हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आप जो है ना इस पर सफ़र करते हैं तो थोड़ा ध्यान रहे, साथ रहे। अगर आप हाथ हटा लेते हैं तो बेहतर नहीं है, हाथ आपको पकड़ना चाहिए ताकि आप सही तरीके से जाए। और ये इस वक्त हमारे दोस्त भी आ रहे हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यू फ्रॉम? Yeah, I'm from Lahore, Pakistan. Okay, okay. Yeah. आपका नाम क्या है? My name is Sedra. आपकी experience थोड़ा सा जानूंगा कि yeah, sure. तो ये बताए कैसा लगा आपको यहाँ पर? पहली दफा आप आए? Yeah, it's my first time. I enjoyed a lot even. It's my dream, like the old place, serene, beautiful, the peace. I really enjoy. अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने पाकिस्तानी बहनों को? Yeah, मैं कहना चाहूंगी कि हिम्मत करें, हौसला करें, औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। इवन सारे मर्द वहाँ पीछे बैठे, हम औरतें वहाँ पे इस वक्त हैं, तो दे जस्ट एंजॉय, दे डू व्हाटएवर दे वांट, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बताएं ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करते वक्त आपको कोई डर लगा? हाँ, स्टार्टिंग में जब व्हेन आई कम फर्स्ट हियर, तो अच्छा, मुझे जब फर्स्ट 6 मैंने जो क्रॉस किए हैं मैं डर गई थी, इवन मैं वापस जाके बैठ गई थी। अच्छा, देन आई थिंक कि क्यों डरना। सही। और जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी कहा कि मुश्किल के साथ आसानी है, तो जब मैं इस पे चली तो बहुत बहुत इंजॉय किया, और जब उस तरफ गई हूँ तो वो टुकड़ा ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत का टुकड़ा है। ठीक है, नो डाउट। आपका नाम क्या है? माय नेम इज सिद्रा फारूक एंड मैं अपने हनीमून पे यहाँ पे आई हूँ। आपकी नई जिंदगी मुबारक हो, मेरी दुआएं आपके साथ है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पर एक फैमिली और भी आ रही है, बच्चे अगर आप देखे, हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है। अगर आप देखें ये जवान, ये हमारी बेटी, क्या ही बात है। सर, अस्सलाम वालेकुम।
सर आप कहाँ से आए और आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? आई एम फ्रॉम फैसलाबाद एंड दिस हैज बीन अ मार्वेलस एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा, क्रॉसिंग द हसनैनी ब्रिज, इट इज ग्रेट। ठीक है, ग्रेट थिंग टू डू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। तो ये जो पूरा एरिया है आपको दिखाते हैं कि क्या ही बात है। ये देखिए, ये सब चीज़ें गुलमित में हैं। लोग आ जाते हैं सीधा हुंजा में, हुंजा भी बिल्कुल बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है वहाँ पर भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पोशीदा सयाहों को नज़रों से जो उजल इलाके हैं वो भी आप देखें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कुछ है। सीधा खुंजर आप लोग जाते हैं, सुच जाते हैं, हुंजा जाते हैं, आताबाद झील जाते हैं, लेकिन ये जो पोशीदा और सयाहों की नज़रों से जो ओझल इलाके हैं ये ज़रूर आप विज़िट करें, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमारे ग्रुप को आप देख सकते हैं कि इसने क्रॉस किया कामयाबी के साथ। कुछ सयाह आए हुए हैं। कैसे आप? कहाँ से आप लोग आए? From Lahore, अच्छा Karachi. अच्छा वालेकुम अस्सलाम। आप कराची? कोई नहीं टिका, इवेंट टिका। तो आपने ब्रिज को क्रॉस किया तो कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट डेंजरस सीरियसली, बट स्टार्ट व्हेन वी स्टार्ट इट्स क्वाइट डेंजरस, बट सून इट्स मेक इजी। कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, हमें बहुत मजा आया। आप बताए आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? मुझे हाइट फोबिया भी है। अच्छा, पानी का भी फोबिया है, बट इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस टू। अच्छा सर आप बताएं। इट्स वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। पानी बहुत ठंडा है मगर हमारे जोश से गर्म हो गया अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, सीरियसली इट्स सो कोल्ड, मतलब कि ये इतना ठंडा है कि हम लोग 10 मिनट्स इसके अंदर रह नहीं सकते, फॉलेज हो जाए डायरेक्ट। सीरियसली सही सही सही, खुश रहे ना? नहीं मैं ट्राई कर लेता हूँ, अभी करूंगा, थोड़ी देर बाद आप लोग करें। मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा जी। थैंक यू जी। तो आप टिकटॉकर है? Yes, तो कैसा लगा आपको, कुछ टिकटॉक बनाए कि नहीं? हाँ बहुत बहुत, इवन यहाँ पे आकर जो मैंने टिकटॉक बनाया वो मेरे सबसे ज्यादा हिट जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ पैसे निकल रहे हैं? हाँ पैसे पूरे, इवन जितने जो मैं ट्रिप पे भी पैसे दिए ना, मैं उससे कहीं ज्यादा पूरे कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपकी बहन है? आपका नाम क्या है? आई एम माई सेल्फ इकरा मलिक, यू कैन कॉल मी पॉपी। पापी, पापी भी टिकटॉकर हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मुस्बत टिकटॉकर वी मेक अ पॉजिटिव कंटेंट, नाम रोशन करें, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान भर से सैयाह आ रहे हैं और इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे साथ हमारी पाकिस्तानी बहनें भी मौजूद है। इसको मैं एक नारा लगवा लेता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। We'll be right back.
मेरा नाम अहमद नदीम हुसैनी से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, ये बताइए ये पुल कब बना और ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया तो अब तक पेश नहीं आया? ये पुल वैसे तीन हिस्सों में बना, पहला पुल 1968 में बना, दूसरा 1987 में तैयार हुआ था, तीसरा 2013 में। ठीक है, तो ये 2013 वाला है? 2013 वाला। अच्छा, ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और क्या क्या इसमें इस्तेमाल हुआ है? इसमें लंबा है 700 फीट, चौड़ा है 6 फीट, 413 स्टेप्स है। अच्छा ठीक है, तो अब तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया कि नहीं? कुछ भी नहीं हुआ सर, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं डर लगता है? हाइट से डर लगता है और ये इतना वेव कर रहा था, मुझे बहुत डर लगता है। सर पे रहूं। आप दौड़ रहे लेकिन एहतियात करें। मैं इस पे दौड़ा भी, पैदल भी आ गया, लेकिन आपको ये दावत कभी नहीं दूंगा कि आप इस पर दौड़े और बग़ैर हाथ पकड़े ये रस्सी आए। तो आप ज़रूर एहतियात करें, एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि मुझे एडवेंचर से मैं मतलब आदि हूँ और एडवेंचर चीज़ों को देखता हूँ और करता भी हूँ। तो बहुत शुक्रिया। तो ये है कि आपने एहतियात करनी है और मेरा ख्याल है कि आप जब भी यहाँ पर आए तो आपको ज़रूर यहाँ पर ये चीज़ देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप हुंजा आ गए या ताबाद झील आए, हुंजराब झील गए, ये भी बहुत मतलब एडवेंचर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है तारीख के हवाले से। इनका जो कल्चर है गुलमित में मुख्तलिफ देहातों में अगर आप चले जाते हैं तो क्या ही बात है। मैंने कोशिश की कि आपको पाकिस्तान का कोना कोना दिखाया जाए, ये भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। तो मेरा ख्याल में आपको सस्पेंशन ब्रिज पर चलना, इसको देखना, ड्रोन के ज़रिए मैंने कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ एंगलों से मैंने दिखाया और मुल्क भर से सयाह यहाँ आ रहे हो, इंजॉय कर रहे हैं। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह।